नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र ने अग्निपथ योजना तहत भर्ती की उम्र सीमा 2022 के साल ही 21 साल तो वधा के 23 साल की। अग्निपथ योजना बारे फैलाए जा रहे झूठ तो लोगों नूं सावधान रहने लई आख्या। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनुसार पेंशनरां लई सिंगल पेंशन पोर्टल छेती ही कीता जावेगा लॉन्च। केंद्र अनुसार देश विच पोर्टल ते डीजल दी कोई कमी नहीं है। भारत ते दक्षण अफ्रीका विचाले 5 मैचां दी टी20 लड़ी दा चौथा मैच अज राजकोट विच। हुन खबरां विस्तार नाल। केंद्र ने अग्निपथ योजना अधीन की जाने वाली भर्ती की उम्र की सीमा 2022 के साल ही 21 साल तो वधा के 23 साल कर दी है। रक्षा मंत्रालय वालों जारी किए गए एक बयान कहा गया है कि देश दीआं तिन्ने सेनावां लई भर्ती लई उम्मीदवारों की उम्र सीमा नूं वधा के 23 साल कर दिता गया है। इस तथ्य नूं ध्यान विच रखदिआं कि पिछले 2 वरियां दौरान भर्ती करना संभव नहीं होया, सरकार ने फैसला लिया कि 2022 लई तजवीज़शुदा भर्ती साइकल लई वन टाइम छूट दी जाएगी। इसलिए 2022 दे साइकल लिए अग्निपथ योजना भर्ती प्रक्रिया वास्ते वध तो वध उम्र नूं वधा के 23 साल कर दिता गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तथ्य लोगों सामने रखे ने। इन्हां राहीं योजना की सही जानकारी दी गई है। अग्निपथ योजना बारे फैलाए जा रहे झूठ तो केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान रहने लिए आख्या है। इस योजना बारे कुछ तथ्य पेश किए गए ने।
पंजाब दे नौजवानां समेत होरनां वर्गां वल्लों अग्निपथ योजना दा भरवां स्वागत कीता जा रहा है। पटियाला विच साडे पत्रकार शिव नारायण जांगड़ा ने नौजवानां ते होरनां लोकां नाल गल्लबात कीती। धन्यवाद करदा हाँ जिहड़ी उन्होंने अग्निपथ योजना स्टार्ट की है। इस विच साडे बजुर्ग युवावां नूं जिहड़े जिस जो 20 साल की उम्र 17 से 21 साल की उम्र के हैं उनको नौकरी करने का चांस मिलेगा और देशभक्ति के भी चांस मिलेगा उनको देशभक्ति करने का। और मैं अभी 20 साल का हूँ और मुझे भी अगर चांस मिला तो मैं आर्मी में जाने की मतलब जाऊँगा और अपने देश की सेवा करूँगा। और मैं फिर से मोदी जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जड़ी मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है जी 17 साल तो 21 साल तक योजना बहुत वधिया जी। ये तो मैं भी 21 साल का है जी, मैं भी हूँ इस योजना भर्ती कराँगा, शायद मैं भी कितने भर्ती हो जाए जी। जी नौजवान नौजवान पीढ़ी है उसनों अगर अपनी देश की सुरक्षा वास्ते भी उसनों चांस मिलेगा और जी थल सेना जल सेना वायु सेना सब इन भर्तियाँ हो। मेरी उम्र भी 18 साल है, मैं भी ट्राई कराँगा कि शायद मैंने इस नौकरी मिल जाए। सरकार ने बहुत वधिया काम किया सेंटर सरकार वालों, ये तो असं धन्यवादी हाँ सेंटर सरकार दे सोलो। साढ़े जैसे नौजवान उस भर्ती हो सकेंगे जिहड़े साढ़े 17 साल तो ज़्यादा ने। मैं भी 17.5 क्रॉस कर चुका तो मैं भी हुण उस भर्ती दे विच अप्लाई कराँगा। 21 जून नूं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस नूं लैके आम लोकां विच उत्साह लगातार वध रहा है। कई शहरां विच लोक सवेरे चंदक थावां ते योग करदे नजर आउंदे ने। इस तों इलावा वख-वख संस्थावां भी लोकां नूं योग नाल जोड़न विच लगियां होईयां ने। अमृतसर विच भी अजिही ही इक संस्था वल्लों लोकां नूं योग संबंधी जानकारी दित्ती जा रही है। एक बहुत ही खुशी की बात है जो 70-80 वर्षों से हमारे भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है या भगवान के साथ अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ने का जो योग है इसकी ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसको पहचाना भी और किया भी और महसूस करके पूरे विश्व में इसका जो मान सम्मान है बढ़ाया है जो कि आज विदेशों की धरती पर भी 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे भारत में तो शुरू से ही ऋषि मुनियों की धरती रही है, योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का तो ये एक घर रहा है और आज इतनी खुशी की बात है कि पूरे विदेश से सैलानी भारत में भी आते हैं योग से अपने मन को शरीर को शक्ति देने के लिए ऊर्जावान करने के लिए और स्वस्थ होने के लिए और उसका यही प्रभाव है हर वर्ग का व्यक्ति हर जाति समुदाय का व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ होने के लिए योग को अपना रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनरां अते बुजुर्ग नागरिकां दे लाभ लई पेंशन ते पेंशनर भलाई महकमा छेती ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित सक्षम सिंगल पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल पेंशन की लगातार प्रोसैसिंग ट्रैकिंग अते वंड विच मदद करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पोर्टल पेंशनरां ते रिटायर्ड बुजुर्ग नागरिकां नूं ऑटोमैटिक ईज ऑफ लिविंग संबंधी अलर्ट भी भेजेगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल ना सिर्फ पेंशनरां नाल लगातार संपर्क बनाई रखेगा बल्कि छेती प्रतिक्रिया लई उन्हां दीआं शिकायतां नूं भी लगातार हासिल करेगा। पंजाब बीजेपी के उप प्रधान राकेश राठौर ने मोदी सरकार दे सेवा अते सुशासन दे 8 साल पूरे होने ते जलंधर दे एक पार्क विच फलां दे बूटे लगाए। इस मौके उन्होंने कहा कि विश्व विच रुखां दी कमी होने दे नाल ग्लोबल वार्मिंग वधन ते प्रदूषित हवा कारण 90% तो वध दी जनसंख्या प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषित हवा नाल हर 5 सैकेंड विच एक व्यक्ति की मौत हुंदी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच देश भर के राजमार्गां उपर 125 करोड़ रुख लगाउण दी योजना है तां जो हवा दे प्रदूषण नूं ठल पाई जा सके। इस दे नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म होया। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हां ते तुसी भी करो, बाहर निकल लगे मास्क जरूर पहनो, दिओ आग्या। नमस्कार।